नमस्कार, मैं अमना दाऊद और आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देश विदेश की खबरों पर एक नजर। डोनाल्ड ट्रंप का बाहुबली अवतार भारत दौरे से पहले रीट्वीट किया वीडियो। ट्रंप को 20 आतंकी संगठनों से खतरा, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी भी कर सकती है गड़बड़ी। दिल्ली का जाफराबाद बना शाहीन बाग, सड़क पर बैठी महिलाएं, मेट्रो स्टेशन बंद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन को ट्रंप के स्वागत भोज का नियोक्ता किया जाने से इनकार। आपका राष्ट्र निर्माण अभियान आज से 20 राज्यों में एक माह तक चलेगी मुहिम। बसपा ने भंग की सभी कमेटियां, नई टीम में एससी ओबीसी और अल्पसंख्यकों को मिलेगी तरजीह। रामलला के वैकल्पिक गर्भगृह का खींचा खाका, नजदीक से होगा दर्शन पूजन। मुरादाबाद में ईदगाह पहुंचे पूर्व राज्यपाल कुरैशी के बिगड़े बोल, मोदी शाह को कोसा। उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, जेपी नड्डा से सीएम की मुलाकात के बाद मिले संकेत। अब रुक करते हैं खेल जगत की बड़ी खबरों पर। विवादों में फंसा पाकिस्तान सुपर लीग, डगआउट में फोन पर बात करते दिखे टीम के लोग। श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज में आखिरी ओवर में एक विकेट से जीता श्रीलंका, कोलंबो में 22 साल बाद साधा सबसे बड़ा लक्ष्य। लंबे समय के बाद T20 टीम में रसेल की वापसी, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए विंडीज टीम का ऐलान। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में सोफी की कप्तानी, पारी से न्यूजीलैंड के 7 विकेट से जीत। 83 वर्षीय वेट लिफ्टर पर लगा 1 साल का बैन, हार्ट सर्जरी के बाद जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की बड़ी खबरों पर। दूसरे दिन विक्की की भूत से आगे निकली आयुष्मान की, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। डांस प्लस 5 में रुपेश बने विजेता, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिले 15 लाख। कोरोना वायरस से डरी चीन की जनता को आमिर खान ने दिया खास मैसेज। शुभ मंगल ज्यादा सावधान पर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर आया आयुष्मान खुराना का रिएक्शन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।